ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 12/12/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे शिव बाबा, जो कि ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम बच्चों के आगे प्रत्यक्ष हुए हैं। तो बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप भले यहाँ तुम्हारे सन्मुख है, लेकिन याद तुम्हें शांति धाम घर में ही करना है। तुम्हारा बुद्धि योग सदा ऊपर लटकता रहे। प्रश्न है, अहो भाग्य, किन बच्चों का कहेंगे और क्यों? उत्तर, हर एक अपने भाग्य की चेकिंग करेंगे। जिन बच्चों को बुद्धि में बाप की नॉलेज आई है उसका है अहो भाग्य, क्योंकि ज्ञान मिलने से सदगति हो जाती है, तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। बाकी जब तक ज्ञान नहीं है तब तक कोई शिव बाबा पर शरीर भी होम दे, लेकिन प्राप्ति सिर्फ अल्पकाल की ही होती है। बाप का वर्षा नहीं मिलता है। भक्ति में भावना के चने तो मिल जाते हैं, सदगति नहीं मिलती। धारणा के लिए मुख्य सार के दो मधुर महावाक्य। नंबर एक, घर घर को मंदिर बनाना है, परिवार वालों की भी सेवा करनी है। ऊंचे ज्ञान का सिमरन कर सुखों से झोली भरनी है। नंबर दो है, किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है, अपना बुद्धि योग ऊपर लटकाना है, यानी एक शिव बाबा को ही याद करना है। सुहावने संगम युग पर जीते जी पारलौकिक बाप का बनना है। वरदान सतगुरु शिव बाबा का यथार्थ सेवा द्वारा सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने वाले बुद्धि से सदा तंदुरुस्त भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि यदि सेवा योग युक्त और यथार्थ है तो सेवा का फल खुशी, अतिंद्रिय सुख और डबल लाइट की अनुभूति अथवा बाप के कोई ना कोई गुणों की अनुभूति प्रत्यक्ष फल के रूप में जरूर होती है। और जो प्रत्यक्ष फल खाते हैं वो मन बुद्धि से सदा तंदुरुस्त रहते हैं। अगर कमजोर रहते हैं तो समझो ताजा प्रत्यक्ष फल नहीं खाते। प्रत्यक्ष फल सदा हेल्दी बनाता है, इसीलिए आपका स्लोगन है एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी। स्लोगन है, अपने हर कर्म द्वारा ब्रह्मा बाप के कर्म को प्रत्यक्ष करने वाले ही कर्म योगी हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।